अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? ठीक हो व्यूअर जी? देखो लेट हो रहे ने, मैं कह रहा हूँ कि आज नए स्कूल जाना है नुमान ने, और ये छुटकी भी तैयार हुई खड़ी है। ये माँ बेटा देखो क्या करने पे लगे हुए हैं, बेटे से कंगी नहीं हो रही जी, वो कंगी करवा रहा है माँ से। इधर देखो नुमान, देखो टाई लगा के, बैच लगा के, बेल्ट शर्ट पा के, और माँ को देखो उधर खड़ी है ढीले मुंह से। चलो इसको भी उधर ही डाल देंगे, नोशी को। हाँ, हाँ ये साल नुमान का लगवाते हैं ना, देखते हैं अगर अच्छी हुई तो फिर उसको डालेंगे उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अखरिया से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हम सब बहन भी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल नौशी व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, फिर शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी छोड़ना नहीं है, और मेरी जो है मज़ेदार बनने वाली है। और माँ ब्लैक वाइट हो गई हूँ आज सारी, मैंने ब्लैक कपड़े पहन लिए हैं, और कहीं जा रहे हैं, मास्क भी लगा लिए, और अचानक से कहीं जाना पड़ रहा है, तो मैं तैयार होकर बैठी हुई हूँ, नासिर के इंतज़ार हो रहा है, नासिर आ जाए तो फिर जाते हैं। और बच्चे जो हैं इधर बैठे हुए हैं, इन दोनों का रोज़ा है, मेरा रोज़ा नहीं है, और बच्चों दोनों का रोज़ा है, छोटे का भी बड़े का भी, तो माशाल्लाह। हाँ दूसरा रोज़ा छोटे का। और जी आज धूप जो है बहुत तेज़ निकली हुई है, क्योंकि दो तीन दिन तो बारिश होती रही है, अब जो है बारिश वगैरह रुक चुकी है, तो बहुत तेज़ धूप है। तो और नासिर और मैं जो है ना जा रहे हैं, और फिर पता नहीं कब आएंगे। और जो है ना नासिर का वेट हो रहा है, 11 बज चुके हैं, अभी तक वो नहीं आए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे होंगे इसलिए नहीं आए। और जी आएंगे तो फिर हम चल पड़ेंगे, और अचानक से ही जाना पड़ा है, बहुत ही मजबूरी है, और बहुत कुछ है जो जाना है, तो नासिर माँ ही जाएंगे, बच्चों को नहीं लेके जा रहे, क्योंकि बच्चों का रोज़ा है ना, तो बच्चे घर बैठेंगे। और एक डेढ़ घंटे का काम है जो कि हम करके वापस आ जाएंगे नासिर, और नासिर का काम तो नहीं है, काम मेरा है, लेकिन नासिर साथ जाएंगे तो मैं जा सकूँगी ना, वरना कैसे जाऊँ। और कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, कल थोड़ा सा मसला था इसलिए, और आज जो है ना मैंने सोचा कि शुरू कर दूँ, और जाते हुए तो पता नहीं मैं बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी, अभी जो है ना अभी मैं शुरू कर दिया है, और आगे फिर जो है देखूँगी क्या करना है आगे। जहाँ मैं जा रही हूँ इलाके का नाम है जोहरटोन, और जोहरटोन में झरना है, वहाँ से होके फिर वापस आ जाएंगे, एक डेढ़ घंटे का मुझे टाइम लगेगा, उसके बाद वापस। आप लोग सोच रहे होंगे कि शॉपिंग वगैरह करने जा रही है, लेकिन नहीं, शॉपिंग वगैरह नहीं करने जा रही, वैसे कुछ काम है जा रही। तो क्या हो रही है गुफ्तगु? डील हो रही है, डीलें करते रहा करो। तो अभी जो है ना नासिर को बुलाती हूँ, और चलते हैं, फिर आके मिलती हूँ आप लोगों से। जी गाइज, हम ना डॉक्टर के पास से वापस आ गए हैं, और कुछ चीज़ें भी ली थी वहाँ से, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये लिए हैं हमने करेले, जो कि बच्चों ने कभी काफ़ी दिनों से फरमाइश की हुई थी कि हमें ना करेले की माँ भरे करेले जो है ना पका के दें, तो वो भी वहाँ से लेके आए हैं, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें जो है ना जोहरटोन में चीज़ें सस्ती मिलती हैं। ये देखें, ये करेले हैं 1 किलो, यहाँ पे 250 रुपये किलो से कल हमने पता किया था, तो आज वहाँ से मिले हैं 100 रुपये किलो। तो और भी हमने चीज़ ली थी, ये देखें कलेजी, जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, और ये भी ली है, और बच्चों को आज पका के इंशाल्लाह देंगे, इफ्तारी के लिए बनाएंगे ना, तो फिर बच्चे रात को खा लेंगे। और अभी नासिर किए हैं, हम जो होटल से फ्री होकर डॉक्टर के पास आए हैं, तो बच्चों की कॉल आ गई है कि हमें लेने आ जाएँ, तो गए हैं उनको लेने, इंशाल्लाह अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तब तक के लिए मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ,
चीज़ें जो हैं हमारी, अब जो हम ख़रीदारी करके आए हैं वहाँ से ज़्यादा तो नहीं करते, क्योंकि अब लोग को पता है कि महंगाई इतनी है कि हाथ नहीं डालने देती कहीं भी, तो इसलिए जितनी बंदे की औकात होती है उतनी लेना है, लेनी होती है चीज़ें। तो थोड़ी सी सब्ज़ी ली और बच्चों के लिए और फ्रूट वगैरह पहले लेके आते थे, लेकिन इस दफ़ा फ्रूट नहीं लिए क्योंकि डॉक्टर ने मेरे से बहुत सारे पैसे ले लिए थे, तो इसलिए अभी जो है ना मैं कुछ और कर लूँ। और हमारा जोई जो है मुस्तकिल बोली जा रहा है, हालांकि कोई भी नहीं है। सुबह एक बंदा आया था मज़दूर, तो उसी की वजह से वो बोल रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। उसको लगता है कि अभी भी वो आसपास के मंडल आ रहा है, तो इसलिए वो बोली जा रहे हैं मुसलसल, तो जो है ना चुप ही नहीं हो रहा, तो बोलता रहे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी मैं फटाफट से ना कोई काम कर लूँ, क्योंकि बच्चे जब आ गए ना तो फिर मुझसे काम नहीं होता, क्योंकि बच्चों को अगर टाइम ना दे ना बंदा तो फिर बच्चे जो है ना बिगड़ जाते हैं। इसलिए एक बंदे को बच्चों के पास रहना ज़रूरी है। तो बच्चे आएंगे और मैं उनके पास चली जाऊँगी इंशाल्लाह।